वो आ गए हैं पांडव। नमस्कार प्रिय युधिष्ठिर, क्या दूध के लिए प्रस्थान करें? क्यों नहीं मामा श्री, जैसी आप इच्छा। भ्राता श्री, जल्द से जल्द तैयारी करें। भांजे, युधिष्ठिर से कहना कि मेरी तरफ से पासे मेरे मामा श्री फेंकेंगे। तो भ्राता श्री, हमारी तरफ से पासे मेरे मामा श्री फेंकेंगे। जरूर करो, द्रुत पीड़ा की तैयारी करो। महाराज अभी तक नहीं आए। महाराज भी आ जाएंगे मामा श्री, पहले तुम द्रुत पीड़ा शुरू करो। बैठो बैठो। तो श्री क्या प्रारंभ की जाए? नहीं मामा श्री, पांडु पुत्र एक बार अपने कदम बढ़ा देते हैं तो पीछे नहीं हटते। क्रीड़ा शुरू की जाए। सूरज ठीक है, तो ये लो मेरे पास भांजे, कितने चाहिए? पहले क्या लगाओगे भ्राता श्री? मैं अपने 1000 घोड़े और अपने 1,00,000 की सेना दांव पर लगाता हूं, तुम क्या दांव पे लगाओगे? अच्छा अपनी सेना दांव पे लगाओ तुम भी। ठीक है भ्राता श्री, तुम बोलोगे ऐसा ही होगा। ठीक है, अब मेरे लिए 8 आने चाहिए। नहीं आएंगे मामा श्री, ये क्या हो रहा है? क्या हुआ दुर्योधन? मेरे पास आप विश्वास करो भांजे, ये मेरी सेना है। मामा श्री, आप तो कहते हैं दूध पीड़ा में बहुत निपुण है, कैसे हारने लगे? अभी रुको तनिक युधिष्ठिर। दुर्योधन, तुम्हारी सेना मेरी हुई थी, इस बार मैं उस सेना को भी मिलाकर और बढ़ाकर अपनी सेना और मेरे घोड़े और हाथी दांव पर लगाता हूँ, तुम भी दांव पर लगाओ। इतना ही बताओ भांजे, कितने चाहिए? मामा श्री, मुझे दांव की आवश्यकता है। नहीं आएंगे तो ही आएंगे। नहीं आएंगे नो, नहीं नो, नो आ चुका है भ्राता श्री। आप हाथी घोड़े हार चुके हो। अब कितने चाहिए? क्या लगाओगे? मामा श्री, किस्मत हर बार साथ नहीं देती। एक बार हम जीते थे, एक बार तुम जीते हो, लेकिन फिर से अब मैं जीतूंगा। इस बार मैं अपना राज्य इंद्रप्रस्थ दांव पर लगाता हूँ। इंद्रप्रस्थ लगाओ, तुम भी लगाओ।
चुपने चाहिए नमस्ते के लिए। मामा श्री मुझे छह की आवश्यकता है। इस बार नहीं आएंगे। आएंगे नहीं आएंगे छह ही आएंगे। नहीं छे छे नहीं नहीं छे छोरा माधव चुप बैठ माँ। अब क्या करते हो इसके? अब क्या करोगे? आपने मामा श्री अपने पास का समस्त राज्य जितना मेरे अधीन है दाव पर लगाता हूँ। नहीं माने या तो इस बार इस पार या फिर उस पार। इंद्रप्रस्थ तुम लगा चुके हो माने। अब तुम्हारा नहीं रहा। अब तो तुम ऐसे ही हो गए। मामा श्री ये दूध पीड़ा है इसमें एक बार मेरे जीतते ही बाजी पलट जाएगी। बस मुझे एक बार जीतने की आवश्यकता है और मैं इस बार हिम्मत करता हूँ। भीम को लगा दो भरता श्री भीम को। वो तो चलता है वो भीम। ठीक है मैं अपने भाई भीम को दांव पर लगाता हूँ लेकिन मेरे एक बार जीतते ही मुझे मेरे समस्त राज्य वापस मिल जाएगा। मिल जाएगा। ठीक है मामा श्री मैं भीम को दांव पर लगाता हूँ। आपकी बार मुझे इंतजार की आवश्यकता है। इस बार नहीं आएंगे। इस बार किस्मत मेरा साथ देगी। अवश्य आएंगे। नहीं आएंगे भीम के लिए। भीम से मेरे घर पे पानी भरवाऊंगा। अब क्या लगाओगे भांजे? क्या लगाओगे? ठीक है मैं अपने छोटे अनुज धनुर्धर अर्जुन को दांव पर लगाता हूँ। अर्जुन अब मुझे तो क्या आवश्यकता है? नहीं आएंगे। इस बार नहीं आएंगे। नो नो नहीं तो अच्छा हाँ तो नो आएंगे। इस बार नो आएंगे। नो 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 मेरे भांजे की इच्छा दो है। नो 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 अपना बोलो सहदेव को भी लगा दो। ठीक है जी मैं अपने छोटे अनुज नकुल को दांव पर लगाता हूँ। नकुल के लिए कितने चाहिए भांजे? तुम्हारे पास क्या है लगाने के लिए? मेरे पास सहदेव अनुग्रह में उसे फिर आपको लगाता हूँ लेकिन इस बार किस्मत मेरा साथ देगी। अच्छा तो मुझे आठ की आवश्यकता है। आठ ही आएंगे भांजे। अब मैं अपने समस्त भाइयों को हार चुका हूँ। अपने समस्त राज्य को हार चुका हूँ। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। मैं अपने आप को दांव पर लगाता हूँ। दुर्योधन अगर मेरे बाजी हार गया तो मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा। परंतु अगर जीत गया तो मैं अपना समस्त अपने अनुज समेत अपना समस्त राज्य वापस प्राप्त कर लूंगा। मामा श्री मुझे चार की आवश्यकता है। चार ही आएंगे। इस बार किस्मत मेरा साथ देगी।
सरकार नहीं आएंगे। अब क्या दाव पे लगाएंगे इसकी? अरे मामा श्री, अरे दुर्योधन अब मेरे पास बचाए क्या है दाव पर लगाने के लिए? मैं क्या दाव पर लगाऊं? मैं तुम्हारा दास हो गया हूँ। अब तो तुम हमारे दास हो प्रिय भाई। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा दाव पर लगाने के लिए। बच्ची क्या दुर्योधन? कौन बच्ची है? पांचाली द्रौपदी है ना मामा श्री। दास को ऊंची आवाज में बात बात करते हैं। बेटे तुम हमारे दास हो, पांचों भाई मेरे दास हो, मेरे भांजे के। ऊंची आवाज में दास को बात करना शोभा नहीं देता। क्या लगाओगे द्रौपदी को दांव पर या दास बन के जाओगे? अगर मैं एक बार ही जीत गया तो मैं अपना अपने भाइयों को अपना सारा राज्य वापस प्राप्त कर लूंगा। सिर्फ एक बार सोचने की बात है, अगर मैं द्रौपदी को लगाकर जीत गया तो हो सकता है मैं अपना समस्त राज्य और अपने भाइयों को दास से छुड़ा सकूं। ठीक है, कोशिश करके देखता हूँ, आखिरी कोशिश करके देखता हूँ। ठीक है मामा श्री, मैं अपनी अर्धांगिनी द्रौपदी को दाव पर लगाता हूँ। द्रौपदी के लिए कितने चाहिए भाई? मामा श्री मुझे सात की आवश्यकता है। सात ही आएंगे? साथ नहीं आएंगे मेरे पासों की। मैंने इतनी पूजा नहीं की भाई, अब देख रहे हैं पासों का कमाल। नहीं आएंगे, किस्मत इस बार मेरा साथ देगी। साथ नहीं आएंगे या नहीं आएंगे? नहीं नहीं अब दासी के लिए क्या युवराज? दुशासन जाओ, द्रौपदी को लगाओ। जी भैया कहते मैं जाता हूँ, अभी लेके आता हूँ। द्वार को लेकर लाइए दुर्योधन, मैं तेरी जगह बहुत सुंदर। अच्छा हाँ अभी तो तुम भाग्य दुर्योधन के दास हो और दास हमेशा। दुशासन के तिरछा दिखा लोह पीऊंगा, मैं प्राण लेता हूँ। अच्छा इनाम कृष्ण जय श्री कृष्ण। पासवर्ड बता, पासवर्ड।